नई XUV700 में आ जाता है वेंटिलेटेड सीट, सेकंड रो में कैप्टन सीट और साथ में गाड़ी का वेटिंग पीरियड भी कम हो गया है। और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो महिंद्रा ने फाइनली लॉन्च कर दिया XUV700 का अपडेटेड मॉडल और एज एन ओनर मैं आपको बता सकता हूं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए इन अ लॉट बेटर डिटेल। वैसे इसमें टोटल 16 नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन उससे बड़ी बात पता है क्या है? गाड़ी पे वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा थी और अब इस गाड़ी के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया, जिस वजह से इसकी वेटिंग पीरियड एक्चुअली कम हो गई। मैं आपके साथ नीचे शेयर कर रहा हूँ क्या क्या वेरिएंट्स पे किस तरह की वेटिंग है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि मैक्सिमम जो है 12 हफ्तों की वेटिंग है, विच इज वे लेसर देन बिफोर। अब पहले बात करते हैं ऑफ द न्यू कलर नेपोली ब्लैक। ये कंप्लीट ब्लैक है, इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिडनाइट ब्लैक जो कहीं ना कहीं वो ब्लूइश लगता था, ये दिस इज कंप्लीटली ब्लैक। और इसी कलर में केवल आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स और ब्लैक कलर का कंप्लीट फ्रंट ग्रिल। दूसरे कलर्स क्या क्या आते हैं? व्हाइट, ब्लू, सिल्वर, रेड और साथ ही में आ जाता है मिडनाइट ब्लैक। अब ये 5 कलर्स तो अवेलेबल थे, पर इनमें अब ड्यूल टोन भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए, यानी कि आपकी रूफ जो है ब्लैक कलर की हो जाएगी, जिस वजह से आपको और 5 एक्स्ट्रा कलर ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस ज्यादा यहाँ मिल जाते हैं। सो एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, हाई बीम एंड लो बीम, इनफैक्ट इसमें ऑटो बूस्टर लाइट्स भी आ जाते हैं। फ्रंट ग्रिल के डिजाइन में चेंजेस नहीं किए गए। फ्रंट लोगो पे एक कैमरा आती है, विच इज द कैमरा यूज्ड फॉर कंप्लीट 360 इन द कार। साथ ही में ADAS में यहाँ रेडार एंड कैमरा दोनों इस्तेमाल किए गए हैं। साइड मिरर पे कैमरा दी गई है, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसको और रियर में LED टेल लैंप्स आ जाते हैं। जब इसका टेलगेट खोल के देखेंगे तो तीनों रोज रेस्ड होने पर भी एक मीडियम और एक स्मॉल साइज का सूटकेस आराम से यहाँ बैठ जाता है बिना किसी इनकन्वीनियंस के। अब बहुत होगी बात है, चलो गाड़ी के अंदर चलते। अब जैसे हम गाड़ी के अंदर जाते हैं आप नोटिस करोगे कि जो फ्रंट सीट है ड्राइवर की वो थोड़ी पीछे चली जाती है, जिससे गाड़ी में चढ़ने में आसानी हो जाती है। दैट्स कॉल्ड द वेलकम फीचर। और देखिए वापस इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक सीट है इसमें मेमोरी फंक्शन है, यानी कि मैं 3 अलग अलग मेमोरीज में डिफरेंट सीट सेटिंग सेव कर सकता हूँ। अब ये शायद आपको पता होगा, बट मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नया फीचर आ गया विच इज मेमोरी मिरर। यानी कि अगर मैं अपने बाहर के मिरर्स को ऑलरेडी एडजस्ट कर देता हूँ, ओके, एंड आई कीप इट इनटू 3 डिफरेंट सेटिंग्स फॉर 3 डिफरेंट सीटिंग्स, तो वो ऑटोमेटिकली मिरर को भी एडजस्ट कर देती है। इजंट दैट ग्रेट? मतलब मेरे को वापस आके मिरर्स को हर बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता है एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टच यहाँ पे। अब फ्रंट सीट्स की बात करते हैं। ये वाइड है, सपोर्टिव है और अच्छा खासा कंफर्ट देते हैं। सो आप पतले हो चौड़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लंबे सफर पे आराम से जा सकते हो बिना किसी इनकन्वीनियंस के। अब लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फीचर। यहाँ पे दोनों फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड हो गई है एंड दैट इज वन एरिया जो काफी लोग कह रहे थे कि यार 700 में वेंटिलेटेड सीट्स क्यों नहीं आ रहे। सो नाउ यू हैव दीज वेंटिलेटेड सीट्स ओवर हियर। अब डैशबोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूल टोन कलर में आता है। स्टीयरिंग व्हील जो है लेदर रैप्ड है, लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और साथ में बटन्स दिए गए टू कस्टमाइज द क्लस्टर एज वेल। अब क्लस्टर जो है 10.25 इंच का है, कस्टमाइज में क्या आता है इसमें? सो यू अगर आपको ADAS का कुछ देखना तो इट शोज यू देयर राइट अप फ्रंट। साथ ही में यू कैन चेंज द सेटिंग, प्लस मान लो आप नेविगेशन यूज कर रहे हो देन इन दैट केस आप अपने पूरे स्क्रीन को नेविगेशन में कन्वर्ट कर सकते हो ऑन द क्लस्टर इटसेल्फ, ताकि आपको फोन या दूसरे एलिमेंट्स में देखना ना पड़े। ओके ये जो क्लस्टर है इट्स कनेक्टेड टू अ 10.2 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया, बट द बेस्ट पार्ट हियर इज इसके 12 सोनी के 3D सराउंड साउंड स्पीकर्स। ये एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ना तो कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में आपको पसंद नहीं आएगी। अगर आप म्यूजिक की बात करते हो 3D सराउंड साउंड इज वेरी एडिक्टिव। अब ये जो एंटायर सेट जो बात किया मैंने आपको क्लस्टर एंड टच स्क्रीन, ये बेसिकली AdrenoX है। अब AdrenoX AX3 वेरिएंट से आता है, बेसिकली जो AX वेरिएंट्स हैं वो सारे AdrenoX के ही हैं और इसमें अभी आपको 13 नए फीचर्स आ गए हैं। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ देम एज वी गो फर्दर। तो प्रोग्नोसिस पहला सेट ऑफ फीचर्स है। अब ये क्या होता है पहले वो समझाते हैं। अब मान लो आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे आपका ब्रेक पैड ऑलमोस्ट घस चुका है या फिर आपका DEF का लेवल कम है, आपका DPF चोक होने आया है फिल्टर, देन इन दैट केस ये आपको पहले ही वार्न कर देगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव कि ये आपको प्रिवेंटिव मेजर बता रहा है। सेकेंड थिंग इज M लेंस। M लेंस में क्या होता है, जैसे आपको काफी बार साइंस आ जाते हैं कि यार ये साइन आ गया एंड वी आर लाइक कंफ्यूज, हमें दिमाग में चलता रहे गाड़ी चलाऊं या ना चलाऊं या सीधा सर्विस सेंटर भेजूं, तो एम लेंस आपके ऐप पे ही आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट पुट इट ऑन दैट टेलटेल साइन जो प्रॉब्लम आया आपको, और वो आपको उसका सोल्यूशन बता सकता है कि मान लो डीपीएफ चौक है तो गाड़ी 60 या 80 पे चलाओ तो मोस्टली ये क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं क्लियर होता ठीक है नाउ विजिट सर्विस सेंटर। सो यू नो इट गिव्स यू ऑल दीज प्रिवेंटिव सोल्यूशंस। सी वी लव कार्स, हमें गाड़ी लेने का शौक है सबको, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक एक डिटेल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं पता होगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू हैव एंड आई फील ये हर एक कनेक्टेड कार में आज आना चाहिए। अच्छा और क्या फीचर्स है, आपको एक पर्सनलाइज्ड वेलकम ग्रीटिंग है, तो जैसे आप गाड़ी सुबह पहले बार स्टार्ट करते हो या जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो आप एक वॉइस वेलकम रख सकते हो आपके वाइफ का, बच्चे का, पेरेंट्स का एज अ वेलकम, और ये लाइक आई सेड इट्स कस्टमाइजेबल। फिर आ जाता है टोल डायरी। सो बेसिकली ये आपके फास्टैग से कनेक्ट हो जाता है जो आपका एक रजिस्टर मेंटेन करता है, बट यू नो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब मान लो मैं मुंबई से चेन्नई जा रहा हूँ, मेरे फास्टैग में 1000 रुपए, तो ये मुझे एक्चुअली बताएगा कि यार मुझे मुंबई से अगर चेन्नई जाना है देन इन दैट केस ना मुझे कम से कम 2500 का टोल आएगा, तो मुझे 2500 रुपए होने चाहिए मेरे फास्टैग में। सो दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन गाइडिंग अस कि अगर आप कोई लंबे रोड ट्रिप पे जा रहे हो द टोल डायरी विल हेल्प यू या रादर असिस्ट यू टू नो कितना बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अब गाड़ी में काफी बार इतने फीचर्स हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं उसे यूज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत जने टेक सेवी नहीं है, मान लो आपके पेरेंट्स चला रहे हैं जिनको ज्यादा टेक्नोलॉजी का आदत नहीं है, देन इन दैट केस आपके टच स्क्रीन में एक ऑप्शन दिया गया है कॉल्ड आस्क महिंद्रा, इसमें आपको ये गाइड करेगा फॉर फीचर्स। तो मान लो आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज करना नहीं आता है तो ये आपको गाइड करेगा कि नहीं सर आप ये बटन दबाओ या मैडम आप ये बटन दबाओ, आप ये करो तो इसे एक्टिवेट हो जाएगा, इसे ऐसे चलेगा एंड कुछ भी। और अगर आपको कोई फीचर्स रिलेटेड कुछ जानना है तो ये आप एक फोन कॉल से डायरेक्टली सब क्लैरिफाई कर सकते हो, तो यू डोंट हैव टू कनेक्ट योर फोन टू दिस, या आपके फोन से कॉल नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली गाड़ी से ही कॉल जाएगा टू द टेक्निकल सपोर्ट सेंटर। अब ये सारे फीचर्स जो है, जो 13 फीचर्स है, ये सब एग्जिस्टिंग 700 ओनर्स को भी मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ डीलरशिप पे जाना है, सर्विस सेंटर जाना है और अपने जो हार्डवेयर का है उसको एक बार फ्लैश करवाना है। इससे क्या होगा, आपको FOTA मिलेगा, यानी कि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो ओवर द एयर ही मिलेंगे, जैसे स्मार्टफोन में होता है ना एंड्रॉयड या एप्पल में कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, iOS अपडेट आ गया तो फोन से ही डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो उसी प्रकार से आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट डायरेक्टली कर सकते हो बिना डीलरशिप जाए, स्ट्रेट फ्रॉम वेयर यू आर, और आपको अपना फोन का डेटा भी यूज नहीं करना पड़ेगा, इट विल डायरेक्टली वर्क ऑन द सिम दैट इज एम्बेडेड इन द कार। अब दूसरे फीचर्स क्या आते हैं, 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, 360 कैमरा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों यहाँ पे है, 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स फ्रंट में दिए गए हैं एंड यू ऑल्सो गेट वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पैड, पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है एंड सेफ्टी फीचर्स में भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, 7 एयरबैग्स, ABS+EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड बाय द वे जब ये गाड़ी को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में टेस्ट किया गया था तो इसने पूरे के पूरे 5 स्टार स्कोर किए थे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो, यहाँ पे आ जाता है आपके पास कैप्टन सीट्स का ऑप्शन। जी हाँ, फाइनली यू गेट कैप्टन सीट्स एज एन ऑप्शन। कंफर्टेबल सीट्स है, वाइड है, लंबे सफर पे अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया कंफर्ट यहाँ मिलने वाला है। बट अगर मुझे गाड़ी लेनी है देन इन दैट केस आई विल स्टिल प्रेफर अ बेंच सीट, क्योंकि आई एम गोना ड्राइव माई सेल्फ। अगर मैं पीछे बैठ के जाने वाला रहता आई वुड हैव प्रेफर्ड कैप्टन सीट्स फॉर श्योर। अब ये सीट जो है इसका रिक्लाइन बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, प्लस यू गेट एन आर्मरेस्ट इंडिविजुअल दोनों सीट्स के लिए, और अगर मुझे अपनी स्पेस बढ़ानी है आई कैन डू दैट टू, तो मैं यहाँ आराम से बैठ के जा सकता हूँ। बाय द वे यहाँ पे सीट स्लाइड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, दीज आर फिक्स सीट्स। अब पीछे बैठने वाले लोगों को फीचर्स क्या क्या दिए गए, एक तो सनरूफ काफी पीछे तक आ जाता है सो इट्स नाइस एंड एयरी, क्योंकि आपका ग्लास एरिया भी ज्यादा है, एसी वेंट्स है पीछे एंड साथ में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। उसके अलावा नॉर्मल स्टोरेज आपके पास डोर पैड में है और सीट के पीछे भी थोड़ी स्टोरेज दी गई है। अब चलते हैं टू द थर्ड रो, देखने क्या स्पेस दी गई है फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स। अब थर्ड रो में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार बटन प्रेस करेंगे सिर्फ और ये पूरी तरह से सीट एक ही बार में फोल्ड हो जाती है। अब गेटिंग इन द कार इज इजी, आराम से चढ़ सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं डोर बंद कर देता हूँ फॉर लेसर नॉइज फ्रॉम आउटसाइड। इसको पुल किया, इसको वापस मैंने ऐसे रख दिया एंड बैठ गए यहाँ पे। अब अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से कम है तो आपको यहाँ बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यू कैन सिट हियर कंफर्टेबली। बट अगर आप मेरी तरह टॉल पैसेंजर है, 6 फीट अगर आपकी हाइट है या लंबे है आप, देन इन दैट केस आपको यहाँ बहुत ज्यादा कन्वीनियंस जगह नहीं मिलेगी। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, सीट रिक्लाइन भी की जा सकती है फॉर अ लिटिल बेटर कंफर्ट, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप यहाँ नहीं बैठ पाओगे। अब थर्ड रो पैसेंजर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, व्हाट फैसिलिटीज मिलती है। सो एसी वेंट से पीछे, इनफैक्ट ब्लोअर स्पीड भी पीछे से कंट्रोल किया जा सकता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, 2 कप होल्डर्स है एंड साथ ही में पीछे 2 स्पीकर्स भी दे दिए गए हैं। अब बारी XUV700 को ड्राइव करने की। स्टार्ट कर दिया, डाल दिया ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। अब 700 में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, पेट्रोल एंड डीजल, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सबसे ज्यादा पावर बनाते हैं इस पूरी कैटेगरी में। अच्छा, पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में आते हैं। साथ ही में ये गाड़ी एक चीज देती है जो कोई और नहीं देता है, विच इज ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन, और ये चीज आई फील काफी गाड़ियों को देनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसका सेल ज्यादा नहीं है मार्केट में, बट एक ऑप्शन अच्छा हो जाता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइव क्वालिटी। तो पावर ज्यादा है तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको कमी नहीं रहेगी। ओवरऑल जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है, चाहे सिटी में हो या हाईवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, या इवन यू नो ओवरटेक करना है किसी को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अलावा आई लाइक टू हाईलाइट द फैक्ट कि इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, कि बॉनेट के एजेस ऑलमोस्ट पूरी तरह दिख जाते हैं, और अगर आप शहर में भी चला रहे हो यू विल नॉट फाइंड इट टू बी इनकन्वीनियंट। हाँ, गाड़ी की लंबी डेफिनेटली है तो पार्किंग में थोड़ा बहुत आपको यू नो डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप टाइट लेन्स में पार्क कर रहे हो, बट उसके अलावा आई हैव नो रियल कंप्लेंट्स हियर। एक चीज जो काफी यूनिक है ऑन 700 वर्सेस एवरीथिंग एल्स इज द फैक्ट कि इसका स्टीयरिंग काफी हद तक लाइट होने के साथ साथ डायरेक्ट है, तो अगर मेरे को लेन चेंज करना है तो एफर्ट जो डालना है टर्न करने में वो बहुत मिनिमल है, इस वजह से लेन चेंज करना बहुत आसान हो जाता है 700 में, एंड दैट एड्स ऑन टू ईज ऑफ ड्राइविंग। तो अगर आप घाट पे ज्यादा तेज जा रहे हो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे देता है बिकॉज ऑफ द स्टीयरिंग फील। इसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, खराब रोड्स पे चलाया हमने फ्रंट बैठ के, पीछे बैठ के, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप में ऐसे चेंज नहीं आया। इनफैक्ट आई फील इट्स ऑलवेज बीन गुड, और वहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत थी भी नहीं। सो राइड क्वालिटी फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स के लिए लो स्पीड्स एंड इवन हाई स्पीड्स पे काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल हैंडलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ड्राइव द कार द होल डे, आप टर्न से ले जाओ, आप हाई स्पीड पे चलाओ, यू विल एंजॉय ड्राइविंग द कार कंप्लीटली। अब हमारी XUV700 ने 30,000 किलोमीटर पूरे कर दिए, तो उसका सर्विस कॉस्ट कितना है उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक छोड़ो इन द आई बटन, एंड एक और एक वीडियो आने वाला है इन द कमिंग फ्यू डेज जहाँ पे मैंने अपने पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया ऑफ द 700। सो एवरीथिंग इज कवर्ड, गुड बैड अगली एवरीथिंग, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, डू वेट फॉर दैट एज वेल। एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा कि सिटी में काफ़ी लोगों को जो डिस्कम्फर्ट रहता है कि यार बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट, 700 में गेटिंग यूज टू इट इज़ वेरी इजी। आई फील एक फीचर जो दिया जा सकता था टू एड अ टिक इन द लिस्ट वुड हैव बीन पैडल शिफ्टर्स, बट आई डोंट थिंक दैट वाज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब हमारी गाड़ी चला रहा हूँ मैं 1.5 साल से, मुझे कभी ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका ऑटोमेटिक जो है काफ़ी ईजिली शिफ्ट हो जाता है व्हेन यू नीड इट इन मोस्ट सिचुएशन, तो इस वजह से मुझे पैडल शिफ्टर्स की वैसे जरूरत नहीं पड़ी, बट एक टिक इन द बॉक्स अच्छा लगता था। अब वर्डिक्ट में चलने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग एंड डिफरेंट वेरिएंट्स। आप में से काफी लोग की कंप्लेंट रही है ना, तो MX एंड AXC की प्राइसिंग में चेंज नहीं आया, बट AXC वेरियंट में अभी आपको 13 न्यू फीचर्स आ जाते हैं ऑन द AdrenoX। AX5 की तरफ बढ़ते तो 5 सीटर वर्जन की एक्चुअली 15,000 रुपए से प्राइस कम की गई है, लेकिन 7 सीटर की 15,000 से बढ़ा दी गई है। वहीं पे इसमें 2 नए फीचर्स आ गए, क्रूज कंट्रोल एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। इस वजह से AX5 एक बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ दिनों में AX5 पे एक वॉक अराउंड या एक एटलीस्ट वीडियो बना दो जिससे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आ सके ऑन दैट वेरिएंट। वहीं पे AX7 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग लगभग 35,000 35,000 रुपीज़ बढ़ा दी गई है, और इसमें अब 6 सीटर वर्जन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जो AX7L आती है वहाँ पे प्राइसिंग लगभग 50,000 रुपीज़ बढ़ गई, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे नए फीचर्स आ चुके हैं। अब जो भी वेरिएंट AX7 या AX7L में 6 सीटर वर्जन लेना है तो लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको XUV700 लेनी चाहिए या नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ, दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट चॉइसेस आज के तारीख में। परफॉर्मेंस, स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी एंड ए कंप्लीट रिलायबल पैकेज आज के तारीख में। अब आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, मैनुअल लेनी चाहिए, ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजन बन सकता है। सो इन सिंपल वर्ड्स आपको बताता हूँ, अगर आप कंफ्यूज है कोई भी गाड़ी लेने को, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है और वो आपको सही से गाइड करेंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। अब मान लो आपने लाखों रुपए डाल दिए और गलत गाड़ी ले ली, देन इन दैट केस क्या करोगे, आपको सालों भर उसका EMI चुकाना पड़ेगा एंड यू विल नॉट बी हैप्पी ऑल्सो। सो इसीलिए हमने आपके सपोर्ट के लिए एक सर्विस चालू की है वेयर यू कैन स्पीक टू अस डायरेक्टली। अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां पे कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए और कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट, ताकि आप गलत गाड़ी लेने से बच जाए। वैसे हम आपके लिए रोजाना न्यूज भी लाते हैं फॉर मोर क्लैरिटी के अपकमिंग कार्स में क्या क्या आने वाला है। सो motoroctane.com/news रोजाना दिन में बस एक बार चेक कीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहे फॉर ऑल द अपकमिंग कार्स, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी फेक न्यूजेस है। That's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। Take care, love you guys, see you tomorrow, bye.